हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देख लेते हैं ब्लिस जीवीएस फार्मा के स्टॉक को। पिछले एक साल में स्टॉक में 48% के रिटर्न देखने को मिले हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो रिसेंट हाई फरवरी में जो है हमें लगता हुआ दिखाई देता ऑलमोस्ट 143 का, फिर स्टॉक में कंटिन्यूसली जो है फॉल देखने को मिला। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है 99 से लेके 104 तक का एक जोन हमने ड्रॉ किया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि पहले भी स्टॉक मल्टीपल टाइम यहीं पे आके यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर की ओर इसमें हमें बाउंस देखने को मिल चुके थे, तो उसके चलते ये जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉसिबिलिटी ज़्यादा ही रहेगी कि यहीं से हमें तेज़ी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे। कल के दिन में स्टॉक में 10% का बाउंस इसी लेवल से देखने को मिला, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट जोन है। इसके चलते तेज़ी कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। एक छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर बन चुका है 120 का, यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बताना चाहूँगा, ठीक है। ये लेवल अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा तो जल्दी स्टॉक में हमें जो है 128 से लेके 132 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। अगर इसको भी ऊपर की ओर ब्रेकआउट करता है तो फर्दर 136 से लेके 140 के लेवल्स भी हमें देखने को जल्द ही इसके अंदर मिल सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे MACD इंडिकेटर की, तो MACD इंडिकेटर में भी बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिला है। जीरो लाइन के ऊपर भी जो है ग्रीन बार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि मजबूती का सिग्नल फिलहाल दे रहे हैं, तो इसके चलते जल्दी बाउंस देखने को मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं टिकर टेप वेबसाइट पे। दोस्तों, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक दे दी है, जो आप वहां से फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं एंजल वन अपस्टॉक्स में। टिकर टेप वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। सर्च बॉक्स में स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद आपको नीचे के साइड में स्टॉक का नाम दिखाई देगा, उसके नीचे इसकी करंट प्राइस भी आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं स्कोर कार्ड की, तो परफॉर्मेंस लो देखने को मिल रहा है, वैल्यूएशन इसका हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंट्री पॉइंट की बात करेंगे तो स्टॉक अंडर प्राइसड है लेकिन ओवरबॉट जोन में नहीं है, तो दोनों भी आपको जो है पॉजिटिव पॉइंट है। स्टॉक अंडर प्राइसड भी है, ओवरबॉट जोन में भी नहीं है, तो इसका मतलब है एंट्री यहाँ से बन सकती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो नो रेड फ्लैग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जब भी आप कोई भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म या फिर स्विंग के लिए प्लान करते हो तो नो रेड फ्लैग चेक कर ही उसमें एंट्री का प्लान करें। फार्मास्यूटिकल कंपनी है हेल्थ केयर की, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे स्मॉल कैप है, हायर रिस्क इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। फोरकास्ट एंड रेटिंग की बात करेंगे तो करंटली डेटा अनअवेलेबल बता रहा है, तो इस पॉइंट को स्किप कर लेते हैं। ओवरऑल यहाँ पे सारी चीज़ें हमें अच्छी खासी देखने को मिल रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एक साल के अंदर हमें इसके अंदर जो है 48.98 के जो है रिटर्न देखने को मिल चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई गई है, कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन इस वीडियो में नहीं दी गई है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।